राखो नयने पलक की ना। अगर सीता जैसी बहू पाना चाहती हो तो तुम पहले कौशल्या बनो, तो सीता जैसी बहू मिलेगी और तुम बनी धरी मंथरा। है कैसे मिलेगी सीता जैसी? हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। आज विदाई का नंबर आया तो आज भोज रात कंस बोला है, बहन हम तुझे स्वयं विदा करने के लिए जाएंगे। माँ बाप बोले कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के संग चली, और ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलने है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई के। बचपन के ये खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी, बचपन में बचपन के खेल खिलौने छोड़ के सब जाएगी बेटी तू। वो राजा रानी की कहानी याद बहुत आएगी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी यादें आती हैं। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी मैं का है दो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। ए बेटी ये मैं का दो दिन का बसेरा है, कोई रह नहीं पाता है। मैं का है दो दिन का बसेरा, कौन यहाँ रह पाए। बिन बेटे का पाप भी देखो, बेटी का ब्याह रचाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। आज विदाई का नंबर आया, शिक्षाएं देने के बाद भोजराज कंस स्वयं तैयार हो गया। सोचने लगा रथ पर बैठाल करके बहन और बहनोई को छोड़ने में स्वयं जाऊंगा। आज बहन देवकी को और वसुदेव जी को बैठा लिया, बैठाल करके अंत में फिर कहा, मेरे कुल की परंपरा को कभी मत तोड़ना बहन। मां बाप ने भी कहा, क्योंकि महाराज कपड़े में जो दाग लग जाता है वो छूट जाता है, लेकिन कुल में दाग लग जाए वो कभी नहीं छूटता है।
की कुल की और परम परा मर्याद रे निभाए जइयो बेली कुल की पर होए गरीबी और चाहे पति पर होए अमीरी चाहे पति पर हो अरे तुम ना छोड़ो उनको साथ अच्छा बेटी की विदाई करने स्वयं भोजराज कंस चला घोड़े पर सवार हो गया रथ पर सवार होकर के महाराज जा रहा है खुशी खुशी जाने लगा है। आज बहन देवकी कहने लगी है भैया अरे तू तो मुझे इतना प्रेम करता था लेकिन तू भी आज मुझे खुशी खुशी छोड़ने जा रहा है।